अगर आपको पोल्यूशन पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप प्लास्टिक यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 mm से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। इन्हें पोल्यूशन के चुपके निंजा समझ लो। इनके दो मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपके फेस वॉश में एक्सफोलियंट्स, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले नर्डल्स और नायलॉन जैसे कपड़ों के फाइबर्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स की। ये तब बनते हैं जब बड़े प्लास्टिक आइटम्स टूटते हैं। सोचिए बॉटल्स, फिशिंग नेट्स और प्लास्टिक बैग्स जो धूप, हवा और लहरों से टकराते रहते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह है, समुद्र की सबसे गहरी खाइयों से लेकर हमारी सांसों की हवा तक। ये मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे फूड चेन में चुपके से घुस जाते हैं। कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार है? छोटे कदमों से शुरू करो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना कहो। देखने के लिए शुक्रिया।